लोकसभा चुनाव के छठे राउंड को लेकर तैयारी जोरों पर है। 25 मई को छठे राउंड की वोटिंग होनी है। इस राउंड में दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे राउंड में जो सबसे हॉट सीटें हैं उनमें से एक है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट। इस सीट पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में फाइट है। ये मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। लोगों की नजरें वोटिंग पर लगी थी, लेकिन उससे पहले ही कन्हैया ने मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को चैलेंज कर दिया है। बुधवार को कन्हैया कुमार ने एक्स पोस्ट करके मनोज तिवारी को चैलेंज किया। इस पोस्ट में लिखा कि मनोज भैया, आधिकारिक प्रचार को लगभग 24 घंटे बचे हैं, कब तक लोगों को इधर उधर भटकाइएगा? आइए एक बार तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के असली मुद्दों पर चर्चा उन्हीं के सामने कर ली जाए। कल आ जाइए गोकलपुरी वार्ड 3 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मंगल बाजार रोड पर। और हाँ, थोड़ा समय से निकलिएगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है क्षेत्र में। इस तरह से कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को आमने सामने आकर डिबेट करने का चैलेंज कर दिया है। यही नहीं, मंगलवार को चुनावी रैली में भी कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को लेकर बड़ी टिप्पणी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मनोज तिवारी जी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए, 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव। कन्हैया और मनोज तिवारी का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पहली बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने टिकट बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो साल 2014 से अभी तक लगातार 2 बार सांसद हैं और तीसरी बार भी मौका मिल गया है। जब उन्हें तीसरी बार टिकट दिया गया तो माना जा रहा था कि इस बार भी उन्हें आसान जीत हासिल होगी, लेकिन कांग्रेस ने उनसे मुकाबले के लिए कन्हैया कुमार को उतार दिया। कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ के तौर पर फेमस रह चुके हैं और अपने दमदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। साल 2019 में बेगूसराय सीट से सीपीआई के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। बाद में कन्हैया सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया को कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दे दिया है। मनोज तिवारी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो बिहार से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर बिहार के लोगों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन यही दांव कांग्रेस ने खेला। कन्हैया भी बिहार से ही हैं और वह ज्यादातर भाषण मजदूर और गरीब वर्ग पर केंद्रित रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मजदूर वर्गों की भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में मुकाबला टक्कर का होता दिख रहा है। इसी के साथ दिलचस्प बात ये भी है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार को इस बात का भी फायदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। अब चुनाव में क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।